what I feel that we all know how communication is important for us today. But I feel that because of some technologies or some of the advancements in social media, people have become very narrow. Even I am also much into social media. So I want to ask that, is it communication through social media more effective, or communication to people like face to face is more effective? Face to face is more important, obviously. देखिए, विडंबना है आज एक सोशल मीडिया की. मैं कई घरों में जाता हूँ, डिनर टेबल पे 6 लोग बैठे हैं, और यहाँ तक हमने देखा है कि वो उस पर लगे हुए हैं और आपस में बैठे हुए भी उसी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस टेबल पे बैठे हुए. होता है, आप करते हो? हाँ, ये एक कम्युनिकेशन जो है हमारे बीच में लगभग ब्रेक डाउन हो चुका है. जहाँ घरों में आज देखते हैं हम 4 लोग हैं परिवार में, जल्दी से कम्युनिकेशन नहीं है. उसकी वजह से बहुत सी गलत फहमीज उठती हैं, बहुत सी गलत बातें हो जाती हैं. ये हर घर की कहानी है. हाँ, दीपक सिंह वाराणसी से हैं हमारे बीच में. जी बताइए दीपक जी. हाँ सर, मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ. मुझे अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए, सो दैट मैं अपने बिजनेस पार्टनर और नए बिजनेस पार्टनर और अपने फैमिली को भी कन्विंस कर सकूं, इसका इसका कैसे मतलब इसको हम प्रोग्रेस में कर सकते हैं, ला सकते हैं? अपने आप में विश्वास जगाइए, और वो विश्वास के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे आपकी बात. लेकिन अपनी बात को ठीक से कहने का तरीका समझिए और फिर उसको बताइए. अभी तक हमने जितनी बात करी वो प्रोफेशनल मतलब कम्युनिकेशन की बात करी. अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो सर, कम्युनिकेशन गैप आज की डेट में इतना ज़्यादा हो गया कि दैट हैज़ रिजल्टेड इन जनरेशन गैप एज वेल. टेक्नोलॉजी ऑल्सो इज़ अ फैक्टर जिससे जनरेशन गैप हो गया. आज बच्चे अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते हैं, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं. सो आई थिंक देयर शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स. देखिए, एक कहावत है, ये बड़ी अच्छी आप सुनेंगे. बाय द टाइम द सन रियलाइजेज दैट हिज फादर वॉज राइट, ही हैज ए ग्रोन अप सन हु फील्स दैट हिज फादर इज रॉन्ग. ये गैप, जनरेशन गैप सदियों से चला आया है, आगे भी चलता रहेगा. लेकिन इसलिए मैंने उस यंग आदमी को मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी इस कम्युनिकेशन का सोल्यूशन नहीं है. पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कम्युनिकेशन का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि आपको 1-to-1 बात करनी पड़ेगी. आपको कुछ समझना पड़ेगा एज ए जनरेशन गैप डिफरेंस. आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पिताजी या मेरी माताजी मेरे से 30 साल बड़ी हैं, वो आज के युग की बिहेवियर पैटर्न को नहीं समझ रही हैं. उन्होंने MTV का कल्चर नहीं अडॉप्ट किया, उन्होंने गूगल पे सर्च नहीं किया, उनको ये नहीं पता है ये बातें. ये आपको भी मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. और उनको भी ये मानना पड़ेगा, पेरेंट को, एज ए पेरेंट मुझे भी समझना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा जानते हैं. मेरा जो अहम है, अहंकार है, उसको मुझे भी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा शायद मेरे से ज़्यादा जानता हो, मुझे उसकी सुननी चाहिए. तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी तो कोई क्लैशेज नहीं होंगे, मेरा ऐसा मानना. देखिए, एक छोटा सा गेम, कोई किसी के पास कागज़ पेंसिल है तो करके देखिए ज़रा. A to Z लिखिए, ABCDEFGH लाइक दैट, Z तक लिखिए फटाफट, और उसके नीचे उनके नंबर लिखिए. A का एक नंबर तो Z का नंबर आएगा शायद 26, वो लिख लिया. उसके बाद नीचे उसके लिखिए हार्ड वर्क के नीचे अगर आप उनके नंबर लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे, 100 आएगा. करके देखिए. हाँ, किया हुआ है, 100 आता है. तो किया नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप.
नहीं नहीं आएगा। 98 आएगा, और उसके बाद अगर लिखेंगे एटीट्यूड तो उस पर 100% काम होगा। एटीट्यूड का नीचे आएगा 100। अगर हम सब लोग अपना एटीट्यूड बदल लें कि हमको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन की वजह से मुझे कोई गलतफहमी नहीं पैदा करनी, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से अलग ना हटना पड़े, बॉयफ्रेंड से अलग ना हटना पड़े, मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा ना हो, बाप बेटे का ना हो, माँ बेटे का ना हो, तो ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं आप सबसे कहूँगा कि आज का शो कैसा लगा मुझे लिख भेजिए, और जैसा आपने यहाँ देखा, मेरे विचार से हमको अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। चाहे आप DSC शो देख रहे हो, चाहे और टेलीविज़न शो देख रहे हो, आपस में बात ज़रूर कीजिए, एक दूसरे की बात समझिए, एक दूसरे को समझाइए और समझने का प्रयास कीजिए। यही इस आज शो का एक निचोड़ है, एक दूसरे को समझना और समझाना, संवाद करना, बात करना। उस बात से बहुत सी समस्याओं का हल अपने आप निकल जाता है। जहां आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो समस्याएं उलझ सी जाएंगी, कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। यही लाइफ का निचोड़, आज के इस एपिसोड का निचोड़ है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com। या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।